19 दिन जंग के, किसी ने सोचा नहीं था इतना लंबा ये जंग चलेगी। 19 दिनों में रूस यूक्रेन जंग में क्या क्या हुआ है इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। यूक्रेन में रूसी बमबारी इतनी भीषण हो रही है कि घरों के एक रूम में बम तो दूसरे रूम में मिसाइलों के खोखे मिल जाएंगे। किसी भी युद्ध के तीन पहलू होते हैं, एक है रोमांच, दूसरा है डर और तीसरा है दुख। यूक्रेन पर बरस रहा बारूद सुरक्षित बैठे लोगों के लिए रोमांच का विषय है, आसमान से गिर रही मिसाइलें यूक्रेन में रहने वाले लोगों के लिए डर का सबब है, और रूस के हमलों में तबाह हुए शहर यूक्रेन के लोगों के लिए दुख की वजह। यूक्रेन के शहर बर्बादी के निशान समेटे हुए। कुछ शहर तो ऐसे हैं जिन्हें रूस ने सालों तक आबाद न होने का श्राप दे दिया है। खार्किव, मारियुपोल, इरपिन, बुचा, 3-4 नहीं पूरे 19 शहरों के लिए रूस भस्मासुर बना हुआ है। मारियुपोल की आज की तस्वीरें देखकर तो एक नजर में लगता ही नहीं कि यहाँ पर बसा बसाया कोई शहर था। इमारतों के पास से टैंक के बरसते गोले सब कुछ मिटा देने पर उतारू। युद्ध के 19 दिन बीत गए लेकिन बमों की गर्जना अब भी सुनाई देती है, गोलियों की आवाजें गलियों में सुनाई देती है। जब भी कोई आसमान की ओर देखता है तो उसकी सांसें थमने लगती हैं, क्योंकि आसमान पर रूस की वायुसेना का कब्जा है तो बमों की बरसात हो रही है। ये 2-3 शहर है, खार्किव हो गया, सुमी हो गया और अभी मारियुपोल हो गया, इन्होंने इस युद्ध में काफी क्षति उठाई है इन 3 शहरों ने। मारियुपोल अपने आप में एक मानवीय त्रासदी है, क्योंकि वहां 3-4 बार बातचीत हो चुकी है रूस और यूक्रेन के बीच में ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर बनाने के लिए, ताकि जो लोग फंसे हुए हैं, सिविलियंस फंसे हुए हैं, वो बाहर निकल सकें। लेकिन हर बार आरोप प्रत्यारोप इनके बीच में चलते रहे हैं, एक दूसरे ऊपर इल्जाम लगाते रहे हैं कि उनके कारण नहीं निकल पा रहे हैं, वो बोल रहे हैं उनके कारण नहीं निकल पा रहे हैं। 2-3 इल्जाम आपको बता दूं जो लगाए गए हैं। रूस ने बोला है कि जो हमने ये कॉरिडोर बनाए हैं, वहां जो अजोव बटालियन के लोग हैं, जो यूक्रेनियन राष्ट्रवादी लोग हैं, एक्सट्रीम राइट के लोग हैं, वो इनको हथियार की नोक पे वहां रोके हुए हैं, ताकि उनको ह्यूमन शील्ड के तौर पर इस्तेमाल किया जा सके, ताकि रूसी वहां बमबारी ना कर सके। जबकि दूसरी तरफ यूक्रेन का आरोप ये है कि देखिए जो इन्होंने हमें कॉरिडोर दिए हैं वो सारे रूस में खुलते हैं, दोनबास के अंदर खुलते हैं, रूसी कंट्रोल एरिया में, जबकि हम चाहते हैं कि कॉरिडोर हमें पश्चिमी यूक्रेन की तरफ मिले ताकि लोग यूक्रेन में आ सकें। तो अब जो सुनने में आया है, रूस ने दोनों तरफ से कॉरिडोर खोले हैं, रूस की तरफ जाने के लिए भी और पश्चिमी यूक्रेन की तरफ जाने के लिए भी। तो हम उम्मीद करते हैं कि अभी शायद जो सिविल लोग फंसे हुए हैं थोड़े बहुत वहां पर, वो वहां से निकल पाएंगे। स्कूल, अस्पताल, सब कुछ उस बर्बादी की जद में है जहां बम गिर रहे हैं। विनाशकारी हथियारों ने ऐसा कहर बरपाया है कि खूबसूरत यूक्रेन के शहर पहचान में नहीं आ रहे। यूक्रेन की सेना लड़ रही है और लोग अब बेबस हैं। उनकी बेबसी के आंसू छलक उठते हैं। यूक्रेन के लोगों में रूस के खिलाफ गुस्सा भी भड़क उठता है। खेरसान की तस्वीरें देखिए, रूस के लड़ाकू विमानों ने इस शहर को बमों से पाट दिया है। शहर शहर नहीं रहा, मलबे का ढेर बन गया है। यूक्रेन भले ही ये कहे कि वो रूस की सेना को रोकने में काफी हद तक कामयाब हुआ है, लेकिन रूस हर तरीके से राजधानी कीव की ओर बढ़ता ही जा रहा है। जो उत्तर दिशा से और उत्तर पूर्व और उत्तर पश्चिम की दिशा से 3 हमले हो रहे थे, उसमें कुछ कमी की बात तो की जा रही है। का मतलब यह है कि जिस इंटेंसिटी से रूस की सेना आगे बढ़ने का प्रयास कर रही थी उसमें कुछ कमी है, लेकिन ये भी हो सकता है कि एक या तो बातचीत से पहले वो थमे हैं या वो अपने आप को रीऑर्गेनाइज कर रहे हैं एक बड़े हमले के लिए। बेलेसुरकोव जहां हम गए वो लगभग 70 किलोमीटर है कीव से, उसके रास्ते में इतनी जगह पर अब चेक पॉइंट्स और मिलिट्री बैरिकेड्स लग गए हैं कि कोशिश इनकी ये हो रही है कि किसी भी तरह से अगर रूस की सेना आगे बढ़ने की कोशिश करे दक्षिण की दिशा से भी तो हर कुछ किलोमीटर पर उसे रोकने का प्रयास किया जाए। कब तक, ये एक बड़ा प्रश्न होगा।
रूस की सेना कीव की घेराबंदी के लिए आगे बढ़ रही है और इससे पहले वो मुखोलिव, खेरसान और मोलियोपोल को तबाह कर चुकी है। ये वो शहर हैं जहां पर रूस के सबसे ताकतवर हमले हुए हैं और आज इन शहरों में रूसी टैंक और सैनिक ही नजर आते हैं। एक तरह से इन शहरों पर रूस का नियंत्रण हो गया है। जो रूसी सेना का बढ़ना है आगे, वो बहुत हद तक रोक दिया गया है कीव के आसपास। और पिछले चार दिन में इरपिन के अंदर रूसी फौज सिर्फ 2 किलोमीटर आगे बढ़ पाई है और अभी कीव 18 किलोमीटर दूर है वहां से। उसी प्रकार से ब्रोवरी में उनके टैंक्स, उनकी बाकी सेना आगे नहीं आई थी, ये सूमी से आई हुई फौज थी, सिर्फ आर्मर्ड कॉलम था, टैंक्स थे जिनको रूसी यूक्रेन फौज ने पीछे पीछे जाने के लिए मजबूर कर दिया। तो मुझे लगता है अभी कीव की लड़ाई दूर है। इन सब के बीच यूक्रेन ने रूस पर पलटवार के बड़े बड़े दावे किए। कई वीडियो और तस्वीरों के जरिए ये बताने की कोशिश की कि वो रूस की सेना पर भारी है। ऐसा ही एक वीडियो ये भी है जिसमें एंटी टैंक मिसाइल दागी गई। युद्ध में रूस अपने दावे कर रहा है और यूक्रेन अपने। एक जंग मैदान पर चल रही है और दूसरी जंग सूचना तंत्र के बीच। लड़ाई शुरू होने के पहले दिन से इस लड़ाई में कई इसके एलिमेंट्स हैं। ये सिर्फ एक मिलिट्री लड़ाई नहीं है, इस युद्ध का सबसे प्रमुख एलिमेंट है इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, जो रूस काफी हारता हुआ नजर आ रहा है। आपको ये खबर भी मिली है, ब्यूरो को खबर मिली है, कहां से खबर मिली है कि 3 लोग मरे हैं और रिहायशी इलाकों में अटैक से मरे हैं? कीव सोर्सेस से, यूक्रेनियन सोर्सेस से खबर मिली है। ये यूक्रेन की मदद करने की कोशिश को भी रूस नाकाम बना रहा है। पोलैंड सीमा से मात्र 18 किलोमीटर की दूरी पर यूक्रेन के एक सैन्य ठिकाने पर रूस ने हवाई हमला कर दिया। इस हमले का मकसद नाटो देशों और अमेरिका को ये चेतावनी देना था कि वह यूक्रेन की सैन्य या रसद जैसी मदद करने की कोशिश न करे। कल भी प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की ने वही चीज दोबारा दोहराई है, नेटो को फिर आह्वान किया है कि आप जो है यूक्रेन एयर स्पेस को क्लोज करें, इसको नो फ्लाई जोन एनफोर्स करें। लेकिन नेटो ने फिर दोबारा साफ किया है, अमेरिका ने साफ किया है कि वो इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होंगे। देखिए, ये बहुत जरूरी है क्योंकि अगर नेटो या अमेरिका बोलता है कि हम आपको बहुत सारा मदद देंगे, आपको हथियार देंगे, आपको सब कुछ देंगे, लेकिन वो आएंगे कैसे यूक्रेन के अंदर? बड़ा सवाल ये है। वो सिर्फ जमीनी रास्ते से आ सकते हैं, रेल से या रोड से। और जो कल एक रूस ने हमला किया है मिलिट्री ट्रेनिंग सेंटर पर, जो कि पोलैंड की सीमा से सिर्फ 18 मील दूर है, और रूस का ये कहना कि हम किसी भी काफिले को किसी भी हालात में अगर कोई जो नेटो इक्विपमेंट, मिलिट्री इक्विपमेंट आ रहे हैं उन पे हमला करेंगे, नहीं आने देंगे, ये उनका एक साफ संदेश था कि कोई भी गाड़ी या ट्रेन वहां से आती है मिलिट्री इक्विपमेंट को लेके, उसको हम टारगेट करेंगे और तबाह करेंगे, और ये उन्होंने करके दिखा दिया है। पिछले 19 दिन से जो नुकसान कीव के बाहर दिख रहा था, अब वही हालात शहर के अंदर नजर आने लगे। कीव के पास होस्टोमेल शहर के आसमान में उठता ये धुआं यूक्रेन की एंटोनोव एयरक्राफ्ट फैक्ट्री का है। ये देखिए एंटोनोव एयरक्राफ्ट फैक्ट्री युद्ध से पहले कैसी लगती थी और अब इसका क्या हाल है। इस हमले को यूक्रेन की वायु शक्ति पर हमले के रूप में देखा जा रहा है। अभी ये पता नहीं चला है कि इस फैक्ट्री के अंदर कितना नुकसान हुआ है, लेकिन तस्वीरों से जो संकेत मिल रहे हैं वो अच्छे नहीं है। इस प्लांट की एक खासियत ये है कि भारतीय वायुसेना के लिए एंटोनोव AN-32 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट यहाँ बनते थे और भारत के डिफेंस सप्लाई चेन में इसकी एक बड़ी भूमिका थी। कीव से कैमरामैन पवन कुमार, मोहसिन खान के साथ श्वेता सिंह, गौरव सावंत, राजेश पवार और गीता मोहन आज तक।